स्टूडेंट, आज की लेक्चर में मैं आपको वर्टिकल मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्टिकल मोशन लास्ट लेक्चर में हो चुका था। वर्टिकल मोशन का मतलब होता है अलोंग वाई एक्सिस। वर्टिकल मोशन में दो तरह के मोशन होते हैं, या तो बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी या बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, पहली बात। दूसरा कॉन्सेप्ट वर्टिकल मोशन में क्या है, जरा सुनो ध्यान से। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर जाए, वर्टिकल मोशन ग्रेविटी के कंट्रोल में होता है। अगर ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे वी होगा, और ये जो एच होगा वो हाइट फॉर माना जाएगा। और बॉडी अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे इनिशियल होगा, और बाद में जो देखेंगे हाइट पे वो फाइनल होगा। और ध्यान रखना, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो वो ग्रेविटी के सपोर्ट में आती है, वहां ग्रेविटी सपोर्ट करती है, याद रखना, ग्रेविटी सपोर्ट करती है बेटा। तो वहां पे जो ए होगा वो प्लस में लेना है, और उसको कहते हैं जी। जी फॉर व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो जी देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखना, पॉइंट याद रखना। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप भी नीचे खींच रही है, बॉडी भी नीचे आ रही है, तो वो प्लस में लेना है। और अगर नीचे से ऊपर बॉडी जा रही है तो बॉडी तो ऊपर जा रही है, और अगर नीचे खींचती है तो वो ग्रेविटी का इफेक्ट माइनस में लेना है। वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर में 980, कभी कभी फिट में लोग लेते हैं, हाइट को फिट में लेते हैं, तो जी को भी फिट में लेते हैं, 32, रेयर केस। फॉर्मूला वही है जो आपने हॉरिजॉन्टल मोशन में पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो यू प्लस जी टी, यू माइनस जी टी। प्लस जी टी किसमें? जिस सिलैंडरिकल में बॉडी ऊपर से नीचे आएगी। माइनस जी टी कहां लेंगे? सारे फॉर्मूले में जहां बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी। दूसरा फॉर्मूला वही, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, h इज इक्वल टू ut प्लस माइनस 1/2gt स्क्वायर, और एक h nth होता है लास्ट के 1 सेकंड का। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल में एक ही फर्क है कि वहां a था, यहां g आ चुका है, और वहां डिस्टेंस s में लेते थे, यहां तो हाइट में लिया जाएगा कि कितना हाइट गिरी बॉडी है, कितना हाइट उठी बॉडी। फॉर्मूला कुछ नहीं चेंज हुआ है। फाइनल वेलोसिटी t के टर्म में, फाइनल वेलोसिटी हाइट के टर्म में, ये हाइट निकालने का टोटल टाइम में, ये हाइट निकालने का लास्ट के 1 सेकंड में। प्लस जी कहां लेंगे? जहां बॉडी ऊपर से नीचे गिरती दिखाई देगी। माइनस जी कहां लेंगे? जहां बॉडी नीचे से ऊपर जाती दिखाई देगी, याद रखना। अब बेटा इसे कॉन्सेप्ट में बता दूं, पहले कॉन्सेप्ट समझो आप। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, फ्रॉम ग्राउंड, देन अगर किसी बॉडी को हम ग्राउंड से फेंकते हैं, मान लो यू वेलोसिटी से, तो याद रखना हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट। याद रखना बेटा, प्लीज याद रखना इस पॉइंट को, कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती है, प्लीज। दूसरी बात, टाइम ऑफ एसेंडिंग, मतलब जितना जाने का टाइम लगता है, इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। जितना जाने में टाइम लगेगा ना, उतना ही आने में लगेगा, याद रखना। मीन्स व्हाट वी कैन से, कि मान लो बॉडी ए टू बी गई है, तो जितना टाइम लगेगा बॉडी को ए टू बी जाने में, उतना ही टाइम लगेगा बॉडी को बी टू ए आने में, याद रखना, ये सब पॉइंट याद रखना। एक तो याद रखना कि अगर किसी बॉडी को ग्राउंड से फेंकते हैं ऊपर जाने के लिए, तो जहां तक वो जा सके जाए, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तभी वो लौट के फिर वापस आता है। सेकेंड, टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, जितना जाने का टाइम उतना ही आने का टाइम, ठीक है। चलो इस पे एक एग्जांपल करा दो तो क्लियर हो जाएगा मामला। इफ अ बॉडी थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद सर्टेन वेलोसिटी यू एंड इट रिटर्न बैक टू द ग्राउंड अगेन, वापिस ग्राउंड पे आ गया इन 4 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी यू एंड
मैक्सिमम हाइट एच अटेन बाय द बॉडी, देखना। तो इसमें क्या पूछा है, पहली बात तो ये पूछा है बेटा कि अगर हमने बॉडी को फेंका, सवाल क्या है कि एक बॉडी है इसको हमने ग्राउंड से फेंका, मान लो गया और जाकर फिर वापस आया, जाने और आने में टोटल टाइम लगा 4 सेकंड का। तो पहले तो ये बताओ कि किस वेलोसिटी से फेंका, और दूसरी बात बताओ कि वो कितनी हाइट तक गया, किस ऊंचाई तक जा पाया, दोनों चीज बतानी है। तो इट्स वेरी सिंपल, कैसे करेंगे जरा सुनो। सबसे पहले बेटा एक बात बताइए, ये जाने और आने में पूरा टाइम बोल रहा है 4 सेकंड, तो अगर हम मोशन कंसीडर करें, कंसीडर मोशन फ्रॉम ए टू बी, अगर हम ए से बी का मोशन कंसीडर करें, तो पहली बात तो वी जीरो हो जाएगा, कितनी बार मैंने बताया कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मैं सिर्फ जाने जाने का देख रहा हूं। दूसरी बात, टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड का हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्यों, जाने आने में 4 सेकंड, तो जाने में 2 सेकंड, आने में 2 सेकंड, टाइम तो बराबर ही लगता है, मैंने बढ़ाया अभी। चलो तो इस्तेमाल कर लो इक्वेशन, v इज इक्वल टू क्या, u माइनस gt, माइनस g वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी जा रही है, जा रही है, सिर्फ जाने का देखा है हमने। v हो गया क्या 0, u g कितना 9.8, t कितना 2, u इज इक्वल टू आ गया बेटा 19.6 मीटर पर सेकंड। चलो जी आ गया कि फेंकने वाली वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड। फिर पूछा है किस हाइट तक जाएगा, ये भी पूछा है, तो ये इस्तेमाल कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, u यहां रख दो लाकर, तो पहली बात तो v जीरो हो गया, जीरो बराबर क्या हो गया u स्क्वायर माइनस 2gh, h बराबर क्या हो गया u स्क्वायर बाय 2g, u निकाल ही चुके हो आप, रख दो 19.6 का होल स्क्वायर अपॉन 2gb 9.8, तो कट के वही आ जाएगा 19.6 मीटर। बोलोगे सर 19.6 मीटर पर सेकंड, और u निकालने के बाद यहां रख दो तो आपका हाइट भी आ जाएगा, वही आ जाता है 19.6 मीटर, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी पे फेंका, 19.6 मीटर पर सेकंड, किस ऊंचाई तक गया 19.6 मीटर तक। अब बच्चे एक और एग्जांपल है, शो दैट रेशियो ऑफ हाइट फॉल ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम सर्टेन हाइट, एनसीईआरटी का सवाल है, पेपर में आता भी है, इन इक्वल टाइम इंटरवल विल बी इन ऑड रेशियो सॉल्यूशन। शो कीजिए कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन में है, फ्री फॉल का मतलब मैं बता दूं, यानी कि कहां से, सर्टेन हाइट से, फ्री फॉल का मतलब ये हुआ बेटा, सर्टेन हाइट से फ्री फॉल, मतलब u इज इक्वल टू जीरो, कभी भी फ्री फॉल बोल देना, फ्री फॉल मतलब ड्रॉप, फ्री फॉल बोल दे, ड्रॉप बोल दे, रिलीज बोल दे, कुछ भी बोले बेटा, तो u जीरो लेते हैं, ठीक है। तो बताना है कि कोई भी फिक्स इंटरवल टाइम में अगर हम देखें कि बॉडी कितनी गिर रही है, कोई भी एक फिक्स टाइम इंटरवल में, तो वो जो रेशियो आएगा वो हाइट गिरने का वो ऑड में आएगा। तो यहां पे लेट वी फिक्स द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, तो कोई भी इंटरवल फिक्स करो, लेकिन मैं 1 ही सेकंड का फिक्स करूंगा, उसके पीछे वजह भी है क्यों 1 सेकंड का फिक्स कर रहा हूं, 2 सेकंड का भी फिक्स कर सकते हैं, 4 का भी फिक्स कर सकते हैं, बट मैं 1 ही सेकंड का इंटरवल फिक्स कर रहा हूं, क्योंकि ये तो कोई बॉन्डेशन नहीं है ना, बस बोला है कोई भी इक्वल टाइम इंटरवल में देखना है, तो मैं 1 ही सेकंड का ले रहा हूं। देखो ध्यान से, तो मान लो h1 हो जाएगा इस हिसाब से,
माइट फॉल इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब फर्स्ट का मतलब क्या हुआ 0 to 1 second, राइट। एच टू है हाइट फॉल इन सेकेंड, सेकेंड है दूसरा सेकेंड, ये भी तो एक ही सेकेंड हुआ है लेकिन ये 1 to 2 second का इंटरवल हुआ। एच थ्री मान लो हाइट फॉल इन वॉट थर्ड सेकेंड, थर्ड का मतलब क्या 2 to 3 second, बस एक ही सेकेंड का देख रहा हूं मैं इंटरवल, मैंने अपनी मर्जी से एक ही सेकेंड फिक्स किया है क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं था, इक्वल बस होना चाहिए। चलो आपको याद है फॉर्मूला लास्ट के एक सेकंड का मैंने पढ़ाया था कि कोई भी हाइट लास्ट के एक सेकंड का निकालना है तो देखो फॉर्मूला, पहली बात तो ये ऊपर से नीचे है, फ्री फॉल है तो प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यू प्लस 2n-1/2 इंटू जी, और ये हो जाएगा 2n-1/2 इंटू जी। ऐसा क्यों होगा पता चला, इसलिए कि पहली बात तो u जीरो है, यहाँ पे u जीरो लेना है क्योंकि फ्री फॉल है, तो u क्या हो जाएगा तो ये आ जाएगा और प्लस वाला होगा। अब इसमें से निकालो फर्स्ट h1 का मतलब है हाइट फॉल इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मतलब एक ही सेकंड है 0 to 1, तो n 1 रख दो यहाँ पर, तो 2 into 1-1/2 इंटू जी कितना हो गया g/2। एच टू हाइट फॉर इन सेकंड, सेकंड है तो एक ही सेकंड, इंटरवल तो एक ही सेकंड का ये भी है बट वो दूसरा सेकंड है तो इन के साथ क्या रखेंगे 2, ये है ना लास्ट के सेकंड का 2 into 2-1/2 इंटू जी कितना हो गया 3g/2। एच थ्री ये हाइट फॉर इन थर्ड सेकंड, थ्री नहीं थर्ड, ये भी लास्ट का एक सेकंड है, थर्ड तीसरा 2 से 3 के बीच, सब एक ही सेकंड का इंटरवल है क्योंकि हमारे पास एक सेकंड का फॉर्मूला था। चलो तो कितना हो जाएगा इनके साथ 3 पुट करो, y/2g। देखो सारे हाइट जो गिर रहे हैं सब हाइट फॉल है लेकिन लो एक एक सेकंड का सब फिक्स हुए, तो अब बताओ ध्यान से बता। सो अब अगर रेशियो निकालें h1 h2 h3, देखो अगर रेशियो देखा जाए सबका g/2 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 सब में कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 1:3:5:7:9, देखो ऑड आया इवन आया ऑड आया, ये प्रूफ करना था कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में किसी भी फ्री फॉल बॉडी का हाइट फॉल देखें तो उसका रेशियो ऑड नंबर में आएगा। चूंकि हमारे पास फॉर्मूला लास्ट के एक सेकंड का था तो एक एक सेकंड का इंटरवल का तो फॉर्मूला है तो इसीलिए हमने एक ही सेकंड का फिक्स किया, अगर 2 सेकंड का फिक्स करते 0 to 2 second, 2 to 4 second, 4 to 6 second, 2 सेकंड का इंटरवल करते तब भी निकालते तब भी आंसर यही आता, पर चूंकि हमारे पास लास्ट के 2 सेकंड का फॉर्मूला है नहीं, बहुत टाइम लग जाता सॉल्व करने में, इसलिए हम उस पे गए नहीं, क्योंकि लास्ट के एक एक सेकंड का हम निकाल सकते हैं किसी भी लास्ट के एक सेकंड का, तो एक सेकंड का इंटरवल अगर फिक्स करके देखें तो आंसर ऑड आएगा, और 2 सेकंड का फिक्स करो 4 सेकंड का फिक्स करके देखो 40 सेकंड का इंटरवल लेके देखो आंसर वही होगा। फ्री फॉल बॉडी का किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल में अगर हाइट फॉल का रेशियो देखा जाए किसी भी फिक्स टाइम इक्वल फिक्स टाइम इंटरवल में तो वो ऑड नंबर में ही आएगा, ये पॉइंट क्लियर कर लो। तो बच्चे जैसे अभी आप बोर्ड पे देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस वर्टिकल मोशन पे हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, जब आपने ये पढ़ लिया है उस क्वेश्चन पे उस फॉर्मूले पे जरा एक छोटा सा एग्जांपल है, इफ हाइट फॉल ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन थर्ड सेकेंड, थर्ड है देखो लास्ट का एक सेकेंड है, थर्ड सेकेंड इज 5 meter, देन फाइंड हाइट फॉल इन फिफ्थ सेकेंड, तो बताओ 5वें सेकंड में कितना हाइट फॉल करेगा वो बॉडी, 5वें सेकंड में कितना हाइट गिरेगी, यानी लास्ट ये भी थर्ड सेकेंड लास्ट का एक सेकेंड, ये भी फिफ्थ सेकेंड लास्ट का एक सेकेंड। तो एक बात बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया h1 h2 h3 h4 h5 1 3 5 7
9, ऐसे सब ऑड में रिजल्ट आएगा, सबके सब ऑड में ही होंगे, मैंने बताया ना सारे के सारे किस में होंगे बेटा, ऑड में ही होंगे, सब रेशियो ऑड में होते हैं। तो देखा जाए 1, 3, 5, 7, 9 पांच, हमें कौन कौन दे रखा है, थर्ड सेकंड का हाइट और पूछा है फिफ्थ सेकंड का हाइट, बस इन दोनों का रेशियो देखो सिर्फ, फिर H3/H5 देखो कितना हो जाएगा 5:9। बस हमें फिफ्थ सेकंड का हाइट निकालना है, कितना हाइट गिरा, कितना हो जाएगा फिफ्थ सेकंड का हाइट, 9/5 × 3rd second की हाइट कितना आ गया 9/5, 3rd second में वो कितना हाइट गिरा था 5 meter, 5 5 कैंसिल, चलो आ गया आंसर कि सर वो फिफ्थ सेकंड में 9 मीटर गिरेगा। थर्ड सेकंड में अगर वो 5 मीटर गिर रहा है, थर्ड सेकंड का मतलब 2 से 3 सेकंड के बीच 5 मीटर गिरा, तो पांचवे सेकंड में 4 से 5 के बीच 9 मीटर गिरेगा, ज्यादा गिरा ना, ऑब्वियसली ज्यादा गिरेगा, क्यों ज्यादा गिरेगा, हालांकि ये भी लास्ट 1 सेकंड है, लास्ट 1 सेकंड है, इसलिए ज्यादा गिरेगा, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो ज्यादा गिरेगा। तो देखना स्टूडेंट, अब जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अब मैं पढ़ा रहा हूं वर्टिकल मोशन फ्रॉम सर्टेन हाइट, हम एक सर्टेन हाइट से वर्टिकल मोशन को कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला क्या लिखा मैंने, फ्रॉम सर्टेन हाइट एच, सर्टेन हाइट एच से वी कैन परफॉर्म 3 types ऑफ वर्टिकल मोशन। पहला क्या है कि बॉडी को ड्रॉप किया जाए या बॉडी को रिलीज किया जाए, पहला टाइप, अ बॉडी इज ड्रॉप और बॉडी इज रिलीज, याद रखना कहां से सर्टेन हाइट। तो कभी मैं बोलूंगा बॉडी को ड्रॉप किया या बॉडी को रिलीज किया किसी हाइट एच से, तो पहली बात तो उसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं और वहां यू जीरो लिया जाता है, यू जीरो लिया जाता है याद रखना, और टी होता है टाइम ऑफ फ्री फॉल, जो लगेगा टाइम उसको टाइम ऑफ फ्री फॉल लोग कहते हैं अक्सर। तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, तो मैंने क्या बताया था, तो वहां तो विद ग्रेविटी होगा, तो ए तो लेंगे प्लस जी में, फिर एच इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो जीरो लोगे तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाइट के लिए फॉर्मूला चलेगा, फॉर्मूला क्या इक्वेशन है, यहां से टी चाहो तो टी भी निकाल सकते हो, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट टू एच बाई जी, डायरेक्ट भी लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहां जब यू जीरो होगा, कहां जब फ्री फॉल बोलेगा तब, अदरवाइज ये कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है। चलो दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, उसी सर्टेन हाइट से अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस ये हो सकता है उसी सर्टेन हाइट से कि नीचे ही फेंका जाए, नीचे ही अभी भी गिरे, पहले भी गिरे थे अभी भी नीचे गिरे, पहले भी जी प्लस में था अभी भी जी प्लस में हो, बट अब वेलोसिटी देकर फेंका जाए, अब वेलोसिटी दी गई है, थ्रो किया गया है, तो सब कुछ तो वही होगा, बस फर्क इतना होगा कि जो यू जीरो था ना बेटा अब यू जीरो नहीं होगा, अब दूसरी बार टाइम बदल जाएगा, जितना टाइम उस केस में लगा था अब टाइम कुछ और लगेगा, अब तो जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो मान लो अगर उसी हाइट से वेलोसिटी देकर हम नीचे फेंकें, तो मान लो इस केस में टाइम t1 लगा है, ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही होगा प्लस जी वाला, बस यू जीरो नहीं होगा और टाइम t1, तो अगला इक्वेशन बन गया h इज इक्वल टू यू t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गए, थर्ड में क्या है, उसी हाइट से अगली कहानी क्या हो सकती है, पहली स्टोरी तो हो गई कि रिलीज कर दिया, दूसरी स्टोरी हो कि रिलीज नहीं किया वेलोसिटी देकर फेंका, तीसरी स्टोरी है कि उसी हाइट से वेलोसिटी देकर फिर फेंका बट ऊपर जाकर यूं जाकर नीचे गिरी, ऊपर से आकर गिरी, यानी अभी भी नीचे अभी यूं गई फिर यूं गई, तो एक हाइट से 3 कहानी, रिलीज जीरो यू, थ्रोन विद वेलोसिटी यू, और फेंका तो ऊपर जाकर यूं नीचे आई, तो इस केस में ध्यान रखना एक तो ए माइनस में होगा माइनस जी, बोलोगे सर ऐसा क्यों, माना कि सर ये आपने फेंका तो पहले अगेंस्ट ग्रेविटी गई, चलो माइनस जी समझ में आ रहा है, लेकिन सर फिर वापसी में तो विद ग्रेविटी हो गई, तो बाद में तो विद ग्रेविटी है तो बाद में तो प्लस जी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहते हैं इस तरह के सवाल में कि स्टार्टिंग में इन द बिगनिंग जो भी इफेक्ट है स्टार्टिंग में तो अगेंस्ट ग्रेविटी है तो वही माना जाएगा, बाद में क्या हुआ डज नॉट मैटर। तो इस सवाल में थ्रू आउट द मोशन यू विल टेक माइनस जी नॉट प्लस जी एवरीवेयर एनीवेयर, बस याद रखना बाद में क्या हुआ मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में अगेंस्ट ग्रेविटी तो वही माना जाएगा। दूसरी बात, यहां हाइट भी नेगेटिव ली जाती है, बोलोगे सर ए का तो नेगेटिव आपने समझा दिया, ये हाइट नेगेटिव क्यों है, मैं आपको बताता हूं,
मैं भी समझाऊं, अगर आप किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप ऊपर भी गए हो, फिर लेवल में आ गए हो, जितना गए थे उतना कहानी बराबर, फिर नीचे गिरे हो, तो अगर आप कभी भी किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दो डायरेक्शन को फॉलो करते हो, ऊपर भी जाते हो नीचे भी आते हो, राइट भी जाते हो लेफ्ट भी आते हो, तो वहां साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल होता है। क्या है साइन कन्वेंशन, याद करो कि राइट वाला प्लस मिलेंगे तो लेफ्ट वाला माइनस मिलेंगे, ऊपर वाला प्लस मिलेंगे तो नीचे वाला माइनस मिलेंगे। तो देखो तो जरा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओवरऑल जो हाइट आप गिरे वो नीचे की तरफ गिरे, और नीचे की तरफ और लेफ्ट की तरफ हर कुछ नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ और राइट की तरफ हर कुछ पॉजिटिव होता है, तो एच यहां नेगेटिव लिया जाएगा। बोलोगे सर यहां भी तो हम नीचे गिर रहे थे, यहां भी तो हम नीचे गिर रहे थे, तो यहां एच नेगेटिव क्यों नहीं लिया? यहां नहीं लेंगे बेटा, वहां लिया जाता है जब एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दो डायरेक्शन फॉलो करो, जैसे ऊपर भी गए फिर क्रॉस करके फिर लेवल में आके फिर नीचे गए, तो ऊपर भी गए फिर नीचे भी आए, तो वहां कंपैरिजन साइन हो, वहां लिया जाता है साइन कन्वेंशन। अगर एक ही डायरेक्शन गिर रहे हैं सीधे नीचे आ रहे हैं, सीधे नीचे आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां कोई एच का साइन मैं नहीं लेना। यहां क्यों? क्योंकि ऊपर भी गए हैं फिर उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नीचे भी आए हैं, तो आपको ओवरऑल तो हाइट फॉल यही है, क्योंकि जितना गए थे उतना लेवल बराबर हो ही गया था, तो इसमें एच तो पहली बात तो हाइट फॉल एच ही रहेगा फॉर्मूले में, लेकिन वो नेगेटिव लेना है, क्योंकि आप एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब दो डायरेक्शन फॉलो करते हो तो नीचे वाला और लेफ्ट वाला माइनस में आ जाता है। दैट भी याद रखना, ए तो माइनस में होगा और एच भी माइनस में होगा। और मान लो इस केस में टाइम क्या लगा, टी टू, क्योंकि हर केस में टाइम अलग अलग लगेगा ना, जैसे फ्री फॉल में टी लगा तो इसमें टी वन लगेगा तो इसमें टी टू लगेगा, तो फॉर्मूले में पहली बात तो वही होगा, बट एच बराबर यू टी, पहली बात तो माइनस में जी लेंगे और एच भी माइनस में लेंगे, जी भी माइनस में लेंगे और एच भी माइनस में लेंगे, तो तीनों केस में हाइट का अपना अपना इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। जब कोई बॉडी ऊपर से जाकर यूं गिरेगी, यूं जाकर यूं गिरेगी, तो याद रखना ए भी माइनस में लेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है थ्रू आउट द मोशन वही देखा जाता है, भले ही बाद में विद ग्रेविटी क्यों ना चला जाए, और एच भी माइनस में लेंगे, याद रखना। अब ये तीन इक्वेशन को मैं सॉल्व करके एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। सॉल्व करते हैं तीनों को। सबसे पहले आप सेकंड और थर्ड को लिखो, ये है आपका सेकंड इक्वेशन, ये है आपका थर्ड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो, फर्स्ट को अभी भूलो आप। कैसे सॉल्व करो, सेकंड के साथ टी टू मल्टीप्लाई कर दो और थर्ड के साथ टी वन मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई तो क्या होगा, करो सेकंड के साथ टी टू, तो एच टी टू यू टी वन टी टू हाफ जी टी वन स्क्वायर टी टू, थर्ड के साथ टी वन माइनस एच टी वन यू टी वन टी टू हाफ जी टी टू स्क्वायर टी वन, वो इक्वेशन अब टी टू और टी वन से मल्टीप्लाई होने के बाद इस फॉर्म में आ गया। अब जो नया फॉर्म आया ना बेटा, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो माइनस कर दो, करो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस से प्लस, माइनस प्लस, ये देखो प्लस माइनस कैंसिल कट गया, कटने के बाद ये दोनों प्लस हो गया, तो एच एच कॉमन लेके टी वन प्लस टी टू, वहां देखो जी बाई टू दोनों में है, टी वन यहां भी, टी वन यहां भी, टी टू यहां भी, टी टू यहां भी, तो क्या कॉमन हो गया जी बाई टू, और साथ में टी वन इंटू टी टू कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा उधर टी वन प्लस टी टू, फिर देखो टी वन प्लस टी टू दोनों साइड फिर आ गया, फिर वो कट गया, तो एच इज इक्वल टू कहां आके रुक गया मामला, हाफ जी टी वन इंटू टी टू। उसके बाद छोड़ दो इसको, अब आ जाओ वापिस फर्स्ट में, हाइट तो तीनों केस में वही थी, तो एच को लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, तो अब फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां सॉल्व करके एच नए फॉर्म में आया हाफ जी टी वन टी टू, अब ये दोनों एच को इक्वेट कर दो, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू, जी बाई टू कट गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन इंटू टी टू, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी वन इंटू टी टू। तो ये एक शॉर्ट में बहुत अच्छा फॉर्मूला बन गया कि सर अगर मुझे फ्री फॉल का टाइम टी है और वेलोसिटी देकर फेंका नीचे तो टाइम टी वन लगा, और वही वेलोसिटी देकर ऊपर फेंका तो अगर टाइम टी टू लगा, तो तीनों केस के टाइम का रिलेशन ये है कि टाइम ऑफ फ्री फॉल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी विद वेलोसिटी इनटू टाइम टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी विद वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देकर नीचे फेंके अगर उसका टाइम टी वन है, वही वेलोसिटी देकर ऊपर फेंके तो अगर टोटल टाइम जमीन तक आने में टी टू है,
तो अगर फ्री फॉल में अगर टाइम निकालना हो उसी हाइट से, तो टाइम का ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, टी इज टू अंडर रूट टी वन इंटू टी टू। अब इस पर क्वेश्चन करा दूं तो और समझ में आ जाएगा तो कैसे क्वेश्चन होगा। When body thrown downward, मान लो एक बॉडी को डाउनवर्ड फेंका नीचे की तरफ एंड अपवर्ड ऊपर, नीचे भी फेंका और ऊपर भी फेंका, फेंका है मतलब वेलोसिटी के साथ, फ्रॉम सर्टेन हाइट विद सेम वेलोसिटी, यानी कौन से केस की बात कर रहा है, सेकंड और थर्ड केस की बात। तो टाइम लगा एक केस में 2 सेकंड और एक केस में 4 सेकंड, यानी कहने का मतलब है कि वेलोसिटी के साथ नीचे फेंका तो 2 सेकंड लगा, वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका तो 4 सेकंड लगा। मींस सेकंड और थर्ड केस का टाइम पता है, यानी टी1 और टी2 पता है। तो बोला है कि अगर सेम बॉडी को, उसी बॉडी को सेम हाइट से अगर फ्री फॉल करा दें, इस केस में डाल दें फ्री फॉल करा दें, तो टाइम कितना लगेगा। तो इतना नहीं करना है, जिसको वो फॉर्मूला याद है पता कर देगा कि सर आपने पढ़ाया था कि अगर वेलोसिटी देकर जो टाइम लगता है वो पता है, तो फ्री फॉल का टाइम टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी1 इनटू टी2 मींस अंडर रूट 4 इनटू 2 मींस अंडर रूट 8 तो 2 रूट 2 सेकंड। तो ये जो आपने देखा ये क्या था, ये था पूरे बोर्ड पे जो दिख रहा है, दैट वाज वर्टिकल मोशन बट नॉट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द हाइट, यानी एक हाइट से 3 स्टोरी बन सकती है, फ्री फॉल की बन सकती है, वेलोसिटी देकर नीचे फेंक सकते हैं और वही वेलोसिटी देकर ऊपर से यूं आ सकती है बॉडी। तीनों केस का टाइम अलग अलग होगा। इक्वेशन याद रखना, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो ए तो माइनस में लेना ही लेना है, सवाल में एच भी माइनस में लेना है, और तीनों केस का टाइम का एक शॉर्टकट रिलेशन है उस पे इक्वेशन। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, अगली क्लास में मैं इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।